साहब, आप यहाँ, आप तो हॉस्पिटल में थे। या जो बीत गई वो बात गई, और अब तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। इतने तंदुरुस्त तो ये कभी नहीं थे। ऐसे क्या देख रही है सविता, मुझे बधाई नहीं देगी? किस बात की बधाई? मेरा और इनका सालों पुराना सपना आज पूरा हो गया। तेरे प्यारे पति देव ने अपने हाथों से इस घर के पेपर्स पर साइन कर दिया है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? होश में तो हो। होश तो तुम्हारे उड़ेंगे निरंजन। इन पेपर को देखकर जो हॉस्पिटल में पेपर थे, तुम समझे थे कि हॉस्पिटल के कंसेंट फॉर्म में है, जबकि ये इस मकान के पेपर थे। देखो देखो, अब ये घर हमारा हो गया है। तो हमने इस खुशी में यहाँ पार्टी रखी है। हमारे नए घर में भाई बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो चलो भाई, अपना सामान लीजिए और निकलिए यहाँ। चलिए जाइए, चल निकल यहाँ से। भाई जी क्या कर रही हैं आप? ओहो, बड़े घर की बेटी, तू फिक्र मत कर, तुझे तकलीफ ना हो ना, इसलिए सारा सामान मैंने पैक करवा के रखा है। बस अपने सर पे उठा और निकल यहाँ से। खड़े क्या हो? गेट आउट हो जाओ मेरे घर से। आउट। या अरे क्या हुआ मेरी छोटी बहन को? स्वयं जगत जननी माता लक्ष्मी मौन क्यों है? और क्या कह रही थी तुम कि मैं तब जीतूंगी जब तुम्हारी भक्त सविता हारेगी? लो हार गई। सविता का परिवार होगा अब घर से बाहर। पता नहीं माता के भक्त अब क्या करेंगे। लक्ष्मी कुछ तो बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी अपने भक्तों के आंसू में उम्मीद ढूंढ रही हो तुम? तो लक्ष्मी, जैसे ये अपने घर से बाहर जा रहे, वैसे ही शीघ्र ही तुम भी इनके जीवन से चली जाओगी। दीदी मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों बेघर कर रही आप? आज तक कभी मेरी खुशी से आपको खुशी नहीं हुई, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? तुम्हारी ये ट्रेजेडी क्वीन वाली एक्टिंग देख देख कर बोर हो चुकी हूँ मैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा घर हथिया लिया है, पर तूने बचपन से लेके आज तक न जाने कितनी बार मेरा हक मारा है। माँ बाबूजी के प्यार से लेकर शादी तक हमेशा हमेशा मेरी खुशियों में टांग अड़ाई है तूने। मैंने तो सिर्फ अपना हिसाब बराबर कर लिया। दीदी कुछ तो सोचिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे रे सविता, क्या आंसू बचा के रख। अरे अभी तो तू ताजा ताजा बेघर हुई है, अभी तो तुझे दर दर की ठोकरें खानी है, बहुत दुख झेलने हैं, तब ये तेरे काम आएंगी। संभाल के रख। ओए पब्लिक, तुम लोग क्या पिक्चर देख रहे हो? सीता और गीता की पिक्चर चल रही है। हाँ चलो उठाओ उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। ताई जी बस कीजिए, आपने ये पेपर धोखे से साइन करवाए। आप इस घर पे कब्जा नहीं कर सकती। वो मेरी बारबी डॉल, तुम तो ऐसा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने भी तो धोखे से पेपर साइन करवाए थे। हमने तो बस नए लेपे दहला दे दिया। ताए जी, उसमें और इसमें फर्क है। ये घर कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। आप हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ताई जी, अब हम भी देखते हैं कि इस घर से आप हमें कैसे निकालती हैं। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये दामाद जी, जी निकल चल। कितने ठीक लोग हैं ये। कहाँ गए वो लोग? अब तक नहीं आए। अब वो आ गए वो लोग। किसने बुलाया था हमें? ये लोग हमारे घर से निकलने को ही तैयार नहीं है। ये देखिए, ये रहे हमारे घर के पेपर्स। ये घर हमारा है और ये लोग यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। निकालिए इन्हें यहाँ से। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पे मत आइए। एक नंबर के धोखेबाज हैं ये दोनों। इन पेपर्स पे झूठ बोल के, धोखा देके मेरे पापा से साइन कराया। अगर आपको निकालना ही है तो इन दोनों को निकालिए इस घर से। देखिए, ये पेपर्स लीगल है और इनके मुताबिक ये घर इनका ही है। अगर आपको परेशानी है तो आप बाद में कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये घर खाली करना होगा। सुना? तो चलिए प्रस्थान कीजिए। ताई जी, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हाँ ताई जी, इस घर में बचपन बीता है हमारा। हम सब यहाँ बड़े हुए हैं। आप हमसे ऐसे छीन नहीं सकती और हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। रोहित, आदित्य, मम्मी, अरे हम ये घर छोड़ के कैसे जा सकते? नहीं जाएंगे हम। ले जाओ अपनी लक्ष्मी माँ को भी यहाँ से। आज तक तो तुम्हारा कुछ भला कर नहीं पाई। क्या पता जब सड़क पर दर दर की ठोकरें खाओ तभी कुछ काम आ जाए। मेरे सर से छत गई है दीदी, लेकिन लक्ष्मी माँ का हाथ अब भी मेरे सर पे और हमेशा रहेगा। वो आप मुझसे नहीं छीन पाएगी। इसलिए खबरदार अगर माँ के लिए एक और शब्द निकाला अपने मुंह से, इस घर से दूर जा रही हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मी माँ से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता और ना उन्हें कोई इस घर से। माँ यही रहेंगी अपने घर में। निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, निकालिए निकालिए सारी पब्लिक को यहाँ से निकालिए। आप लोग जाइए वरना हमें जबरदस्ती आपको निकालना होगा। सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो, मैडम ने बोला चलो। ये घर नहीं है तो क्या हुआ? पूरा परिवार आपके साथ है। चलिए। अम्मा, आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। हाँ माँ जी, आप यहीं रुक जाइए। कहाँ इनके साथ दर दर की ठोकरें खाएंगी? ये भी तो आप ही के बेटे का घर है। निरंजन का ना सही, अलग का ही सही, बेटा ही तो है। घर परिवार से होता है अलग और मेरा परिवार यहाँ है। सब लोग देख रहे हैं हमें। तुमसे शादी करके बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। सड़क पे आ गए हम लोग। पापा कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? कुछ तो सोचा होगा ना कि कहाँ रहेंगे अब। अरे सोचना क्या है, जल्दी से होटल बुक करो कोई। पूरी रात सड़क पे थोड़ी ना काटनी है। 9 लोग हैं भाभी हम। होटल बुक करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ क्यों भूल जाती हूँ मैं, खंगालों की फैमिली है अपनी। इससे भी कुछ था नहीं, रहते एक घर था वो भी चला गया। माया हो क्या गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? देख नहीं रही हम सब परेशान हैं। थोड़ी तो इज्जत रखो। मम्मी जी कौन सी इज्जत, सड़क पर आ गए हम लोग। तो और भी कुछ बाकी रह गया है क्या? बस करो माया, सब लोग देख रहे हैं। क्यों सड़क पे तमाशा मत करो। पूरा परिवार सड़क पर है तो बातें भी सड़क पर ही होंगी ना मम्मी जी। घर में बात करने के लिए तो घर होना चाहिए, जो कि हमारे पास बचा नहीं। मेरे पापा की कुछ इज्जत है, कुछ रुतबा है इस शहर में, और उनकी बेटी ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही है। वैसे भी कुछ ज्यादा उम्मीद तो थी भी नहीं मुझे आप लोगों से। ये भी नहीं पता था कि एक दिन अपने सर से छत भी चली जाएगी। भाभी किसने कहा हमारे सर पे छत नहीं है? ये है ना सुख सागर नमकीन, ये दुकान। हम सब यहाँ रहेंगे? हाँ, हमारे पूर्वजों की दी हुई सिर्फ दुकान ही नहीं, उनका आशीर्वाद भी। आज यही हमारे सर पे छत बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट जगह। हम यहाँ पे गद्दे बिछा लेंगे और ये स्टोव को यहाँ रख देंगे और यहाँ पे खाना बना लेंगे। देखिए बिजली और फैन तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा मानसिक संतुलन सही है ना श्रेया? तुम तो ऐसे बिहेव करियो जैसे हम 4-5 बेडरूम वाले डुप्लेक्स फ्लैट में आ गए। हमारा घर हमारे हाथ से चला गया है, हम रास्ते पर आ गए हैं। ये ऐसे पिकनिक बनाने आई हो, ऐसे क्या कर रही हो तुम? साले साहब तुम पिकनिक ही समझ लो ना। अब समस्या आई है तो फेस तो करना पड़ेगा। हंस के करो या रो, ये अपने ऊपर है। आपको ऐसे गंभीर टाइम पे भी मजाक सूझ जाता है ना? मजा आ रहा है ना आपको ये सब करने को? आपको पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? अब क्या धर्मशाला की तरह गद्दे बिछा कर सोएंगे हम यहाँ पर? मेरे पापा क्या सर्वेंट्स भी ऐसे नहीं सोते, उनके भी अपने बेड हैं। ऐसे नहीं रह सकती। हमारे पास पैसे नहीं है होटल में रहने के लिए, पर किसी से हेल्प तो ले ही सकते हैं ना। कोई तो और रास्ता होगा। भाभी चाहती तो मैं भी अपने पापा से बात कर सकती थी। आप भी अपने पापा से मदद ले सकते हो। कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। हम जैसे भी कंडीशन में है, जहाँ भी है, एक दूसरे के साथ है। यही तो टाइम है फैमिली बनके एक दूसरे को सपोर्ट करना। और देखना हम सब साथ हैं तो सब मैनेज हो जाएगा बिना किसी के मदद के। हाँ, और हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते। हमारी दुकान है तो हम यही रहेंगे। और वैसे भी ये अरेंजमेंट थोड़े टाइम के लिए तो है। आप सबको क्या लगता है ताई जी और ताऊ जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो हम बस यूं ही हाथ पे हाथ रह के बैठ जाएंगे? नहीं, हम अपना घर वापस लेके रहेंगे। हम कहीं और गए तो हमें लगेगा कि हम हार मान गए। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम घर के पास दुकान में रह के एक फैमिली की तरह ये लड़ाई लड़ेंगे। कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना घर वापस लेके रहेंगे। बताइए कौन कौन है मेरे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम हमेशा टीम तोशनीवाल के साथ हैं। जीना यहाँ मरना है, जीना ही जीना है, यही जीना है। बिल्कुल, और मैं भी किसी भी हाल में हम अपना घर वापस लेके ही रहेंगे। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ आप रो रही हैं? रोने के अलावा और कर भी क्या सकती है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? तुम इतनी समस्याओं में घिरी थी सविता, और तुम्हारी लक्ष्मी माँ चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। क्या इसके लिए तुमने इतने साल माथे रगड़े थे उसके सामने? भूखे राय का व्रत किया था, तो क्यों कर रही हो ऐसी लक्ष्मी माँ की भक्ति?